हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुनो और जानो में, और आपको मैं पार्ट बचपन के एमसीक्यू 10 करवा चुकी हूँ और ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर फिर से आई हूँ। तो आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए, और आपको अगर उनके आंसर्स आते हैं तो टिक मार्क भी आप लगाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम 10 प्रश्न कर चुके थे, अब प्रश्न नंबर 11 है। पहले मैं सभी प्रश्न पढ़ूंगी। प्रश्न नंबर 11 है, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। प्रश्न नंबर 12 आता है, खट्टा मीठा स्वाद किसका होता था? खट्टा मीठा स्वाद किसका होता था? चने का, बी चॉकलेट का, सी जामुन का और डी काफल का। खट्टा मीठा स्वाद किसका होता था? ए चने का, बी चॉकलेट का, सी जामुन का, डी काफल का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चेस्टनट को किस प्रकार खाया जाता है? ए तलकर, बी आग पर भूनकर, सी सुखाकर, डी उबालकर। चेस्टनट को किस प्रकार खाया जाता है? ए तलकर, बी आग पर भूनकर, सी सुखाकर, डी उबालकर। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा गीत हर बच्चे को आता था? ए चना जोर गरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी बच्चे मन के सच्चे और डी दे दी हमें आजादी। प्रश्न नंबर 15 है, शाम के समय कहाँ की रौनक देखने लायक होती थी? ए रिच की, बी माल रोड की दुकानों की, सी जाकू पर्वत की, डी ए और बी दोनों की। शाम के समय कहाँ की रौनक देखने लायक होती थी? ए रिच की, बी माल रोड की दुकानों की, सी जाकू पर्वत की, डी ए और बी दोनों की। प्रश्न नंबर 16 है, गंध शब्द का क्या अर्थ है? गंदा, बी महक, सी चहक, डी सभी। और प्रश्न नंबर 17 है, शिमला और दिल्ली के बच्चों को किस रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली लगती थी? ए न्यू हेवन, बी मैकडॉनल्ड्स, सी वेंगर्स, डी लंदन हिल्स। फिर है प्रश्न नंबर 18, लेखिका ने जब पहला चश्मा बनवाया तो आंखों के डॉक्टर कैसे थे? ए भारतीय, बी अंग्रेज, सी चीनी और डी जापानी। प्रश्न नंबर 19 है, छुटपन शब्द का क्या अर्थ है? ए बचपन, बी मोटापन, सी छोटापन, डी इनमें से कोई नहीं। छुटपन शब्द का क्या अर्थ है? ए बचपन, बी मोटापन, सी छोटापन, डी इनमें से कोई नहीं। और अंतिम और प्रश्न नंबर 20 है, बचपन में नए जूते पहनने पर क्या होता था? ए प्रसन्नता होती थी, बी छाले पड़ जाते थे, सी पैदल चलते थे और डी दौड़ते थे। तो ये 11 से लेकर 20 MCQ है, ठीक है। अब मैं आपको उनके आंसर बताऊंगी, आप अपने आंसर्स के साथ आप मैच कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? तो इसका आंसर है ए एक बार। प्रश्न नंबर 12 है, खट्टा मीठा स्वाद किसका होता था? इसका आंसर है डी काफल का। प्रश्न नंबर 13 है, चेस्टनट को किस प्रकार खाया जाता है? ए तलकर, बी आग में भूनकर, सी सुखाकर, डी उबालकर। तो इसका आंसर है बी आग में भूनकर। फिर प्रश्न नंबर 14, कौन सा गीत हर बच्चे को आता था? चना जोर गरम, सारे जहां से अच्छा, या बच्चे मन के सच्चे, या दे दी हमें आजादी। तो इसका आंसर है सारे जहां से अच्छा, बी। फिर है, शाम के समय कहाँ की रौनक देखने लायक होती थी? ए रिच की, बी माल रोड की दुकानों की, सी जाकू पर्वत की, डी ए और बी दोनों की। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, रिच की और माल रोड की दुकानों की। तो ए और बी दोनों। फिर अगला प्रश्न, गंध शब्द का क्या अर्थ है? गंदा, महक, चहक या सभी। तो इसका अर्थ है महक, बी। फिर 17 प्रश्न नंबर 17, शिमला और दिल्ली के बच्चों को किस रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली लगती थी? न्यू हेवन, मैकडॉनल्ड्स, वेंगर्स या लंदन हिल्स। तो इसका आंसर है वेंगर्स। फिर प्रश्न नंबर 18, लेखिका ने जब पहला चश्मा बनवाया तो आंखों के डॉक्टर कैसे थे? भारतीय, अंग्रेज, चीनी, जापानी। इसका आंसर है बी अंग्रेज। 19वां प्रश्न है, छुटपन शब्द का क्या अर्थ है? बचपन, मोटापन, छोटापन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए बचपन। प्रश्न नंबर 20 है, बचपन में नए जूते पहनने पर क्या होता था? तो
प्रसन्नता होती थी, छाले पड़ जाते थे, पैदल चलते थे, दौड़ते थे, छाले पड़ जाते थे। प्रसन्नता तो होती थी लेकिन जब पहनते थे तो छाले पड़ जाते थे। तो ये थे पार्ट बचपन के 1 से लेकर 20 तक MCQ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से आ गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई अपने से पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हाथों हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जी की। हाँ, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।